हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक चटनी की रेसिपी। अभी गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी से बचने के लिए हमें आम और प्याज खाना चाहिए, तो आम और प्याज से बनी हुई चटनी आज हम बनाएंगे और घर में मिलते इंग्रेडिएंट से बन जाती है और ये जो चटनी है हमारे घर में रहती है, तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। प्याज की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए हैं और इसी के साथ मैंने 2 आम लिया है, तो इस टाइप का जो आम रहता है वो मैंने लिया है। इससे ग्रेट कर लेते हैं, तो आम को मैंने छील लिया है, अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा जो ग्रेटर आता है इसी से ग्रेट करना है। यहाँ पे मैंने 2 आम लिए हैं, आप 2 की जगह 3 भी ले सकते हैं। तो इसकी जो गुठली है वो हमें निकाल देना है। यहाँ पे कोई भी खट्टा आम चलेगा, थोड़ा कम खट्टा वाला आपको आम नहीं लेना है, थोड़ा खट्टा वाला लेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा और ये जो चटनी बनती है एकदम टेस्टी और चटपटी बनती है। आप इसे दाल भात के साथ, सब्जी रोटी, थेपला, भाकरी या तो आप हांडवा, ढोकला, कोई भी रेसिपी के साथ ये चटनी जाती है। अब हम प्याज को भी इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। सारे प्याज को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका हम थोड़ा सा पानी इस तरह से निचोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथ से हमें निचोड़ना है, थोड़ा हम पानी रहने देंगे। अब हम बाकी के मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और इसके साथ मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर जाएगा, 2 टेबलस्पून चीनी का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 कप से थोड़ा कम मैं गुड़ ले रही हूँ। गुड़ का प्रोपोर्शन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हाथ की मदद से। और यहाँ पे आपको एकदम सॉफ्ट वाला गुड़ लेना है, या तो आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं, गुड़ को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने जो लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है वो मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। अगर आपको ये चटनी थोड़ी तीखी पसंद हो तो आप 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करें और 1 टेबलस्पून आप नॉर्मल जो अपना तीखा वाला मिर्ची आता है उसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे रेफ्रिजरेटर में एटलीस्ट 10 से 15 दिन स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको खाने को मन करे ये चटनी आप खा सकते हैं। लौकी और चने की दाल की सब्जी के साथ ये अच्छा लगता है, आप बैंगन और आलू की सब्जी के साथ अच्छा लगेगा। तो सुपर डिलीशियस एंड टेस्टी प्याज और आम की चटनी हमारी रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं। खट्टी मीठी आम और प्याज की चटनी की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।